अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हुंडा CD70 2015 मॉडल बाइक है, इसका एयर फिल्टर जो है वो हमने चेंज करना है। यूरो 2 बाइक का जो एयर फिल्टर है वो कैसे चेंज किया जाता है, आज पूरी डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताया जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका जो साइड कवर है वो खोल लेना है। तो साइड कवर हम खोल लेते हैं। इसके बाद आपने ये वाला 10 नंबर का नट लगा हुआ है, सॉरी काला लगा हुआ है, ये खोलना है। इसको खोल लेते हैं हम। इसके बाद हमने इसकी बैटरी जो है वो निकाल देनी है। बैटरी जो है दोस्तों अभी निकल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने फिल्टर को बाहर निकालना है, फिल्टर लोटे को बाहर निकालना है। फिल्टर लोटा जो है वो निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक नॉर्मल बंदे के लिए, और इंशाल्लाह आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि बिल्कुल आप आसानी के साथ इसका फिल्टर लोटा जो है वो निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। और फिट किस तरह से करना है वो भी आप दोस्तों को डिटेल से बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने ये वाला स्क्रू जो है वो खोल लेना है 4 मूव वाले पेचकस के जरिए। इसको आपने जस्ट ढीला करना है, ये इसका क्लंप होता है, क्लंप को आपने ढीला कर लेना है। उसके बाद आप इसको ऐसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका कार्बोरेटर भी खोलूँगा क्योंकि मैंने इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग करनी है। फिल्टर की सिर्फ वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम फिल्टर पे ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं, कार्बोरेटर भी हमने खोलना है। तो कार्बोरेटर को हम इसके ज़रिए खोलेंगे, एल पाने के ज़रिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कार्बोरेटर जो है वो खुल चुका है। अब हमने इसका फिल्टर लोटा जो है वो निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे आपके सामने अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने 10 नंबर का टी रॉड लेना है। टी रॉड को आपने यहाँ पे डालना है, इसको इस तरह से पीछे की तरफ खींचना है, फिर इसको नीचे से इस तरह से खींचना है। तो ये जो बाइक है इसका फिल्टर जो है कम से कम 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाद इसका फिल्टर जो है आज मैं चेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना बाइक है, तो हमारा माशाल्लाह से काम इतना होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपनी बाइक के लिए। तो आज मैंने सोचा कि चलो फ्री बैठे हैं, जुमे का दिन है, तो आज हम इसको फिल्टर चेंज कर लें। तो अभी हम जो है इसका फिल्टर निकाल रहे हैं। अब जो है दोस्तों हम इसको इस तरीके से पेचकस लेंगे, पेचकस के ज़रिए इसको बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। जब दोस्तों यहाँ पे ये इसको आप यहाँ पे बैग ले आए, उसके बाद आपने ये जो पैप है इसको उतार देना है और इसको इस तरीके से फिर आपने टी रॉड उठाना है और यहाँ पे डालना है, और फिर इसको यहाँ पे डाल के फिर आपने पेचकस यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों इसको आपने यहाँ से दबाना है। अभी जो है कैमरा लगा हुआ है तो मैं थोड़ा मुश्किल से दबा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फिर कैमरा भी गिर सकता है। तो यहाँ से हमने टी रॉड को दबाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से ये बाहर निकल चुका है। तो कंडीशन आपके सामने है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 साल बाद चेंज हो रहा है, तो ये कंडीशन फिर भी कुछ बेहतर निकली है, क्योंकि इतने देर बाद अगर चेंज करें तो फिर जो है वो इसका हालात
वैसे ही ख़राब हो जाता है, तो अभी ये बेहतर है कुछ। तो अभी हम इसको खोल के इसके फिल्टर की कंडीशन देखते हैं। ये जो है आपने पेचकस के जरिए क्लिप को ढीला करना है। इसको ढीला करने के बाद आपने इस तरह से, ये जो है फिल्टर की कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिट्टी है इस पर। वजह यह है कि ये चेंज काफ़ी टाइम के बाद हुआ और फिल्टर भी जेन्युइन नहीं है, सर्वो कंपनी का है। तो कोई मसला नहीं है, सर्वो कंपनी भी अच्छी कंपनी है, हम इसको बुरा नहीं कहते। लेकिन अब जो हम इसमें अटलस हुंडा का जेन्युइन फिल्टर लगाएंगे, और ये जो है आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे आपको इसकी मिट्टी चेक करवाता हूँ। देख सकते हैं आप कि इतनी ज़्यादा मिट्टी है इसमें। तो खैर, अब हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं कपड़े के साथ। उसके बाद जो है हम इसको न्यू फिल्टर जो है अटलस हुंडा इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो ये फिल्टर जो है इसकी कंडीशन इतनी ख़राब होने के बावजूद जो है वो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज बिल्कुल ठीक थी, इसमें कोई भी मसला नहीं आया था। फिर भी हमने कहा कि चलो यार आज इसको चेंज जो है वो ज़रूरी है, हो सकता है इंजन के अंदर भी कोई फॉल्ट बन जाता अगर इस तरह ये चलता रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके इंजन के अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं बना। और अभी हम जो है माशाल्लाह से इसको साफ़ कर रहे हैं, इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से साफ़, जितना हो सका हमने इसको साफ़ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने फ़िल्टर को डालने से पहले यहाँ से अंदर से भी इसको कपड़ा मार के साफ़ कर लेना है, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो वो कपड़े के ज़रिए बाहर आ जाए। कोई मिट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फ़िल्टर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से अंदर से भी साफ़ करेंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर फ़िल्टर डालेंगे। तो फिल्टर जो है वो जेन्युइन हम यूज़ कर रहे हैं अटलस हुंडा का। आपने ये जो नंबर है इसके ऊपर आपने ये वाला कोड जो है वो इस तरह से स्क्रैच करना है। ये वाला कोड आपने लिख के इस नंबर पे मैसेज करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़िल्टर जेन्युइन है या दो नंबर है। तो कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आपका फ़िल्टर जो है वो जेन्युइन है, अगर जेन्युइन हुआ तो, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका फ़िल्टर जो है वो जेन्युइन नहीं है। 88105 पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, स्क्रैच कोड को इस नंबर पर भेजें, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो आपने ये वाला कोड इस नंबर पे मैसेज करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ़िल्टर जेन्युइन है। तो अभी हम ये वाला फ़िल्टर निकालते हैं और इसको हम जो है फिट करते हैं। तो ये जेन्युइन फिल्टर है और ये दूसरा, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये सर्वो कंपनी का है, अच्छा था, लेकिन अभी इसकी अच्छे वाली कंडीशन नहीं रहेगी क्योंकि बाइक ने इसमें चल चल के ये मसले कर दिए। अब हमने इसको इसमें डालना है, सबसे पहले ये वाली बोतल में, इसके बाद हमने ये वाली बोतल इसके ऊपर चढ़ा देनी है। और इसको इस कंडीशन में आपने रखना है, ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर आपने ये वाला क्लंप लगा देना है, क्लंप लगा के आपने इसको टाइट कर देना है। और इसके ऊपर हमने आयल भी लगाना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं ना लगाएं। आयल लगाने से होता यह है कि जो मिट्टी इसके फिल्टर के अंदर जानी होती है ना, वो मिट्टी फिल्टर के अंदर जाने के बजाय इसके ऊपर चिपक जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको आयल लगाएं, अगर नहीं लगाते तो तब भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी।
इस क्लंप को आपने फुल जोर लगा के टाइट कर लेना है। उसके बाद हम ऑयल लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। ऑयल जो है वो दोस्तों बिल्कुल नया होना चाहिए, और नया ऑयल आप इसके ऊपर इतना सा लगाएंगे, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। और इसको इस तरह से आपने लगा देना है। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे दो फायदे हैं। एक तो आपको फिल्टर चढ़ाने में आसानी होगी, दूसरे नंबर पे जो भी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह होगी वो फिल्टर के अंदर नहीं जाएगी, इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो ये दो इसके फायदे हैं। अब हम इसको इसमें फिट करने का तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसको ऐसे गुजार लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको प्रेस करना है अंदर की तरफ, और इस नीचे वाले को मैं आपको सामने अभी करके दिखाता हूँ। इसको इस तरह से बैक के लेंगे और यहाँ पे ये देखें कितना इजी चला गया। अब हमने ये जो पैप है ये इसके साथ जो है वो लगा लेना है, और फिर हम इसको आगे फिट करेंगे। ये वाला पैप इसको हम लगा देते हैं। इसको बैक करके आपने अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा फिल्टर लोटा जो है वो फिट हो चुका है। और यहाँ पे फिट करने के बाद आपने इसको देखना है कि ये जाम तो नहीं है इसमें, इस तरह फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। अगर चेसी के अंदर जाम होगा तो आपका बाइक जो है मिसिंग करेगा। तो दोस्तों ये था फिल्टर चेंज करने का तरीका। इसके बाद मैंने इसकी अभी ट्यूनिंग करनी है, तो वीडियो जो है मैंने फिल्टर की, मैंने सोचा कि यूरो 2 के फिल्टर की वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इस पर वीडियो बना दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर वीडियो बना दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।